हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम चारू ओसोपा एंड राजीव सैन के बारे में एक गुड न्यूज़ देने वाले हैं। तो गाइस, गुड न्यूज़ उनके डिवोर्स के रुकने को लेकर है। तो वो कैसे हुआ, क्या हुआ, वो आप लोगों को वीडियो में पता चलेगा। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करें एंड इस वीडियो को आखिर तक देखें एंड इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि चारू ओसोपा एंड राजीव सैन, जिनका बहुत ही जल्द डिवोर्स होने वाला था एंड डिवोर्स के लिए इन्होंने फाइल भी कर दिया था, एंड इसी बीच इनके कुछ पैचअप की खबरें नज़र आ रही हैं। इसी बीच राजीव एंड चारू, जो कि दोनों अपने सोशल मीडिया हैंडल के थ्रू फैंस को हिंट देना चाह रहे थे कि उनका पैचअप हो रहा है एंड मे बी उनका जो डिवोर्स है वो बीच में रुक सकता है। तो आप लोगों को बता दें हैं कि आखिर हुआ क्या। तो राजीव सैन ने कल अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर चारू ओसोपा के साथ एक बहुत ही प्यारी सी पिक्चर शेयर की एंड साथ में कैप्शन में एक रेड रोज भी डाला, जिसके बाद फैंस ने उन्हें काफ़ी बधाई भी दी कि आप लोग साथ में आ रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, लोग यूँ ही साथ रहे। और वो पिक्चर देख के भी लग रहा था कि शायद इनके बीच में हालात जो है वो पहले से बेटर हो रहे हैं। एंड अभी रिसेंटली चारू ने भी महाशिवरात्रि के दिन एक रील शेयर की, पिक्चर शेयर की, जिसके अंदर उन्होंने सिंदूर लगाया हुआ था। काफ़ी लोगों ने तो उन्हें ट्रोल करने की भी कोशिश की एंड काफ़ी लोगों ने उनके मतलब सिंदूर लगाने पर उन्हें प्रेज़ भी किया। कुछ लोगों का कहना था कि डिवोर्स की बातें चल रही हैं और फिर भी सिंदूर लगाया है, लेकिन कुछ लोग कह रहे थे कि बहुत अच्छी बात है कि आप लोग अपने रिश्ते को और बेटर करना चाहते हैं, सही करना चाहते हैं। एंड आप लोगों को बता दें कि राजीव चारू के घर भी गए थे उनकी बेटी जियाना से मिलने के लिए, वहाँ की भी कुछ पिक्चर शेयर की हैं, जैसे कि आप सभी लोग देख ही रहे हैं। एंड पिक्चर्स एंड वीडियोस के जो भी इन्होंने शेयर की हैं उसे देखने के बाद तो पता चलता है कि मे बी इनका पैचअप हो सकता है एंड ये दोनों पैचअप भी करना चाहते हैं, क्योंकि इनकी बेटी बहुत छोटी है अभी। अगर ये दोनों दोबारा से साथ आ जाएं, दोबारा से साथ रहने लग जाएं, दोबारा एक कपल की तरह रहने लग जाएं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इनको जो बेटी है वो 9.5 महीने की है मुश्किल से, और इन दोनों के लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है ये, और ये दोनों अपने रिश्ते को संभालना चाहते हैं। तो इन पूरी जो न्यूज़ है, आप लोगों का क्या कहना है, अपना जो ओपिनियन है ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर करें आप लोगों का क्या कहना है। सो अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, कमेंट करके बताएँ कि वीडियो कैसी लगी। सो थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन कीप वॉचिंग बॉलीवुड बजिंगा।